नाहिद अख्तर और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मोहब्बत की कहानी बहुत दिलचस्प। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और हमारी आने वाली हर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। नाहिद अख्तर पाकिस्तान की मारूफ गुलूकारा थी और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के 6वें वजीर आजम थे। तो हम आपको उनकी मोहब्बत की कहानी का एक मुख्तसर जायजा बताते हैं। नाहिद अख्तर और यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात 1970 की दहाई में हुई थी, जब गिलानी एक नौजवान सियासतदान थे और नाहिद अख्तर एक उभरती हुई गुलूकारा थी। उन्होंने एक रोमानवी रिश्ता शुरू किया जिसे समाजी उसूलों और गिलानी के सियासी कैरियर की वजह से निजी रखा गया। चैलेंजों के बावजूद एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत सिर्फ मजबूत होती गई और वो छुपकर एक दूसरे को देखते रहे। 1980 में नाहिद अख्तर ने एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन गिलानी के साथ उनके ताल्लुकात बरकरार रहे। यूसुफ रजा गिलानी 2008 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने और नाहिद अख्तर को अक्सर अवामी तकरीबात में उनके साथ जाना था। उनकी मोहब्बत की कहानी सियासी और समाजी हलकों एक खुला राज था, लेकिन उन्होंने मामले की हसासियत की वजह से उसे कभी खुलेआम तस्लीम नहीं किया। नाहिद अख्तर का 2019 में इंतकाल हो गया और गिलानी मुबैया तौर पर उनके नुकसान से तबाह हो गए। उनकी मोहब्बत की कहानी सच्ची मोहब्बत की ताकत का सबूत है, जो इंतहाई मुश्किल हालात को भी अबूर कर लेती है। समाजी दबाव और सियासी मजबूरियों के बावजूद वो कई दहाइयों तक एक दूसरे के लिए वक्फ रहे।